हाय गौरी, तुम लड़की हो या हंगामा? हाँ, तब जब से इस घर में आई हो तब से कोई ना कोई नया हंगामा करती रहती हो। खुद करती हो या फिर हम लोग से करवा देती हो? कैसे कर लेती हो तुम ये सब? हाँ, और एक बात बताओ हमें, ये मुंबई की बहू ऐसी होती क्या, हंगामेबाज? भाभी आप तो ऐसा मत कीजिए, आप तो मेरा साथ दीजिए, मुझे समझ लीजिए ना। मैंने हमेशा आपको समझाया, आपका साथ दिया है। आप खाक साथ दिया तुमने हमारा? हाँ, पहले तो तुमने हमारे सोए अरमानों को जगा दिया, उसके बाद जब उन अरमानों के खातिर हमने अपने पति को राजी करवाया तो तुमने क्या किया, ये नौकरी का हंगामा करके उन सब पे पानी फेर दिया। हमारे रोमांस का पंछी ना उड़ान भरने ही वाला था कि तुम्हारी इस हरकत ने ना उसके पर ही काट दिए। अब हम अपने पति के साथ रोमांस कैसे करेंगे? अब तो हमारे पति को ना रोमांस के आर से भी डर लगने लगता है। भाभी ऐसा नहीं है, मैंने तो कुछ मत कहो तुम, हमारा तो मन ही नहीं उनसे बात करने का। मतलब न जाने क्या क्या फितूर भरा है तुम्हारे दिमाग में, क्या सोचती हो, क्या बोलती हो, क्या चाहती हो, समझ में नहीं आता हमें। अरे कितना प्यार करने वाला पति मिला है तुम्हें, कुछ तो मान रखो उनके प्यार का। भाभी मैं मान रखती हूँ उनका। कहाँ रखती हो तुम? हमें तो नहीं दिखाई देता, हमें तो बल्कि ये दिखता है कि तुम्हें शिव भैया से ज्यादा वो दो पैसे की नौकरी की पड़ी रहती है। तब प्यार करने वाला पति मिला है तुम्हें, जो हमेशा भंवरों की तरह तुम्हारे आगे पीछे मंडराता रहता है, पर तुम ही हो कि समझती नहीं हो। लेकिन गौरी एक बात याद रखना, जो भंवरा मंडराना जानता है ना, वो भंवरा डंक मारना भी जानता है। भाभी आप कैसे कह रही हैं? मैं बस मेरे नौकरी के लिए। अरे नौकरी 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 समझ में नहीं आता क्या गौरी? हाँ, चाहती क्या हो तुम, किस चीज की कमी है तुम्हें? मतलब अच्छा अच्छा खाना, कपड़े, गहने, मतलब घूमना फिरना सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर नौकरी करने की क्या जरूरत है? और गौरी जिस नौकरी के लिए तुम इतना मतलब जिद कर रही हो ना, उस नौकरी से ज्यादा तो हमें पॉकेट मनी मिलता है, और तुम्हें अगर वो भी कम लगे ना, ऊपर से हम दे देंगे तुम्हें। चलो लेकिन भगवान के लिए शांत हो जाओ गौरी, और हमें भी शांत रहने दो प्लीज। भाभी आप ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। भाभी आप जिसे दो पैसे की नौकरी कह रही हो ना, वो मेरे लिए मेरा स्वाभिमान है, मेहनत से मिली है मुझे, ऐसी नहीं मिली है। और अब ये कपड़े, पैसे, जेवर, ये सब दुनिया नहीं है, इससे भी आगे दुनिया होती है। भाभी जरा जी कर देखिए ना, भाभी अपनी सोच तो बदलिए, कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, देश चलाने से लेके चांद तक, और आप अब भी। और ये दहलीज तुम्हारी भी हद है, और इस हद को पार करने की कोशिश मत करो गौरी। और ये तुम सरला को क्या बरगला रही हो, बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर इसको पटरी पर लाए हैं। और हाँ, जीजा जी के हाथ पैर जोड़कर उनकी मनुहार करके उनको विदा किया। फरशिंदाचे काप नीट परतल्यानंतर त्यामध्ये दालचिनी पूड आणि मध घालून पुन्हा नीट परतून घ्यावं। बटर लावलेल्या ब्रेडवर सफरचंदाचे तुकडे, बदामाचे तुकडे, टुटी फ्रुटी, डार्क चॉकलेट आणि मीठ घालून दुसरा ब्रेडचा तुकडा त्यावर ठेवून वरच्या बाजूला बटर लावून घ्यावं। एका बाउलमध्ये स्ट्रॉबेरी सिरप आणि क्रीम घालून सॉस तयार करून घ्यावा। तयार सँडविच पॅनमध्ये बटरवर ग्रिल करून घ्यावं आणि स्ट्रॉबेरी सॉस बरोबर सर्व्ह करावं। हे जेव्हा बोलत होते ते आम्ही बघत होतो की या दोघांनी स्वतःचा संसार उभा केलाच, पण स्वतःच्या संसाराबरोबर अनेकांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण केला, तो आनंद महत्त्वाचा, हसत राहा, आनंदी राहा, असं म्हणत शुभेच्छा देऊया। आणि ही झी मराठीकडून भेटवस्तू डेव्हिड तुमच्यासाठी, अभिनंदन। आणि वहिनींना तथास्तू पुणे यांच्याकडून ही पैठणी, अभिनंदन। काय गो, काय आला, काय झालं, काय आले? मी निकाल लावून आली हो, पण तिची आईच काय बोलली, तिला वाटलं का सगळ्या निशाने आपल्या चुका कबूल केल्या का? आई
मी चांगलं सुनावून आली आहे. त्या तिची बाजू घेत होत्या पण मी लक्ष दिलं नाहीये. खूप झालं आता चांगुलपणा खूप झाला. मऊ दिसला ना की कोपऱ्याने खंडतात ना माणसं ते असं. अहो पण आईच म्हणली काय तिची पटलं काय तिका मला माहिती. आई मी तुम्हाला नंतर फोन करते. आणि आई बाबा जे बोलले त्याचं वाईट नका वाटून घेऊ. सॉरी. सॉरी काय त्या नेहा आले. आई मी येते. होय काकू येते. सावकाश जाग. हो हो मग काय काकू कधी उडवताय लग्नाचा पार बघूया.